योगी पुलिस के दरोगा का सकारात्मक संदेश देता वीडियो वायरल। मुरादाबाद में कल दोपहर से सोशल मीडिया पर मुरादाबाद पुलिस के एक दरोगा का वीडियो वायरल हुआ, तो लोगों ने योगी पुलिस के इस दरोगा की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, क्योंकि इस दरोगा जी ने बकरा ईद पर अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हुए अपने हलके में शांति कायम रखने के लिए कुछ अलग ही अंदाज में दिन भर लॉकडाउन का पाठ पढ़ाते हुए सकारात्मक पुलिसिंग पेश की है। दरअसल बकरा ईद के लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि लोग अनावश्यक भीड़ न लगाएं और अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते शनिवार का लॉकडाउन भी था, इसलिए दरोगा जी के ऊपर जिम्मेदारी दोगुना बढ़ गई थी। इस वीडियो का सबसे रोचक पहलू ऐसे आधुनिक युग में घोड़े पर सवार होकर अपने गले में लाउड स्पीकर लटकाकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते हुए जानकारी करने पर पता चला, इनका नाम रियाज हैदर जेदी है और ये मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र की चौकी जयंतीपुर के इंचार्ज हैं। इनके इस कदम को जिसने भी देखा उसने इसकी सराहना की। इनकी इस वीडियो को इसलिए भी सराहा जा रहा है क्योंकि वो स्वयं मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोरोना काल में अपने बड़े त्योहार बकरा ईद को दरकिनार करते हुए अपनी ड्यूटी को सर्वप्रथम मानकर सुबह से लॉकडाउन का पालन कराने में लगे हैं और समाज में एक मिसाल पेश करते हुए संदेश दिया कि ड्यूटी को हर हाल में निभाकर खाकी का रुतबा कैसे कायम रखा जा सकता है। आप सभी लोग ईद के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करें। आप अपने अपने घरों में रहें, बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें। आप जयंतीपुर के आवाम को मेरी वे चौकी की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हैप्पी सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप मेरे बजाय अपने घरों से बाहर निकले, आज लोग काम है, अपने अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने और खुद भी आप अपने घरों से बाहर निकलें। आज कोरोना की महामारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे आपको बचना है। आप अपने अपने बच्चों को हिफाजत करें। आप कोरोना से जभी बच सकते हैं जब आप घरों में रहेंगे। आप बेवजह घरों से बाहर न निकलें और दावत ना किसी घर में बुलाए खाने के लिए और ना किसी की दावत में आप जाए, ना किसी की दावत खाए आज और ना किसी को घर में बुलाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें।